सिंगरौली में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकालकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार का विरोध किया। यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश सरकार का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता लगभग 4 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायकों को खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई है। देखिए, आज प्रदेश भर में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर लोकतंत्र बचाओ अभियान संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें तिरंगा यात्रा हम लोग समूचे प्रदेश में आज निकाली गई है। इसी के तारतम्य में 11 बजे से बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर संविधान का वाचन किया गया। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरे लिए खतरे में, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।